आज भुवनेश्वर हेउची जिलापाल सम्मेलनी चारिमास परे सरकार पुणि थरे डाकी छंती जिलापाल सम्मेलनी ग्रामांचल रे गृह निर्माण पानीय जल प्रकल्प कृषि क्षेत्र रे जलसेचन ग्रामांचल रे विद्युतीकरण ममता एवं निरामय योजना रो कार्यकारिता नै समीक्षा करिवे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक निर्धारित समय रे हिताधिकारी सरकारी सुविधा पाइबा उपरे बैठक रे गुरुत्व दिया जिवो केवल जिलापाल सम्मेलनी नुहे नवंबर मास रो प्रति जिल्ला को गस्त करिवे वरिष्ठ आईएएस अफिसर एथिपई निज विभाग सह गोटिए लेखाए जिल्लार विकास नै सरकार को पाखरे उत्तरदायी रहिबे एथिपई 30 टी जिल्ला पई 30 जन सचिव को दायित्व दिया जाय छी मासर प्रथम सप्ताह 4 दिन फील्ड विजिट पई सचिव मानन को निर्देश दैछंती मुख्य शासन सचिव जिल्ला गस्त करबा परे 2 दिन मध्यरे एनै रिपोर्ट प्रदान करबा को कहा जाय छी सचिव को गस्त नै निजे मुख्यमंत्री समीक्षा करिवे सीधा सड़क जीवा आम प्रतिनिधि थबीर सामन को पाख को थबीर दसटा दि सकाल दसटा बेले आज जिलापाल सम्मेलनी आरंभ होबार थिला वर्तमान सुधा आरंभ हेलानी कि नाही एने अधिक अपडेट कोन रही छी देखंतु आउ किछ समय परे जिलापाल कर्मशाला जहाँ शुभारंभ करिवे मुख्यमंत्री एवं वर्तमान विभिन्न जिलार 30 जिलार जिलापाल आसी पहुंची सारिछंती एवं मुख्य शासन सचिव उन्नयन कमिशनर समेत विभिन्न विभाग सचिव माने मध्य आसी पहुंची सारिछंती आउ किछ समय परे ए कर्मशाला आरंभ हबो यदि आपण देखिबे एथरा कर्मशालार फोकस रे रहिछि ग्रामांचल विशेष करि 12टी लोकाभिमुखी योजना ग्रासरूट स्तर रे तृणमूल स्तर रे किभळी कार्यकारी हेउछि ता उपरे सीधा सळक मुख्यमंत्री जिलापाल मानक सह आलोचना करिवे एवं विशेष करि ग्राम ग्रामांचल पानीय जल जोगाण कहतु कृषि पे जलसेचन पेंशन पीडीएस व्यवस्था एवं निरामय और ममता भली योजना ग्रासरूट स्तर में हिताधिकारी टाइम बाउंड मेनर रे सरकारी सेवा पाउछंती कि नाही ता उपरे मध्य बैठक रे आलोचना करा जिवो यदि आपण देखिबे 4 मास तले जो कर्मशाला होइतिला जिलापाल मानकर सेतबेले मुख्यमंत्री कहितिले तीनोटी टी उपरे 3T फॉर्मूला मध्य मंत्र देथिले नवीन एवं जोंथिरे कि टीम वर्क ट्रांसपेरेंसी एवं टेक्नोलॉजी को व्यवहार करबा पे मध्य प्राथमिकता दिया जायतिला तबे एही 4 मास रे जिलापाल माने ग्रासरूट स्तर रे किभळी याकु कार्यकारी करिसंती ता उपरे आज सीधा सळक पचारी बुझिबे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक एवं विशेष करी केउठी समस्या रहुची केउ हिताधिकारी माने यहा थारु वंचित हेउचंती एवं विशेष करी वरिष्ठ नागरिक महिला एवं ग्राम पंचायत एवं पंचायत स्तर रे रहुतबा हिताधिकारी माने योजनार सुफल पाउचंती कि नाही ता उपरे विशेष करी बैठक रे फोकस दिया जायची एहा बाद यदि आपण देखिबे केवल जिलापाल सम्मेलनी नुहे विभागीय सचिव मानक मध्य उत्तरदायी करा जायची राज्य सरकार को पक्षरु एवं आसंता नवंबर मासरु जेतु आउ अल्प दिन रहिला नवंबर मासरु ए गस्त आरंभ करिवे सचिव माने गोटिए लेखाए विभाग उत्तरदायी नुहे बरं गोटिए लेखि जिलार मध्य उत्तरदायी करा जिवो सचिव मानक एवं प्रथम सप्ताह 4 दिन से माने फील्ड विजिट करिवे एवं ग्रासरूट स्तर रे किभळी सरकारी योजना कार्यकारी करा जाउची ता उपरे मध्य जिलापाल को जरिया रे आलोचना करिवे एवं जिला गस्त करिवार 2 दिन मध्य रे से माने मुख्य शासन सचिव को मध्य रिपोर्ट दबार कहा जाइची एवं मुख्यमंत्री मध्य सचिव मानक रिपोर्ट को मध्य अनुध्यान करिवे तेनु गोटे पटे आग को पौर निर्वाचन मिशन 19 रहिछि जेहेतु साधारण निर्वाचन आग को राज्य सरकार को पई गोटे बड़ चैलेंज थिबारु प्रशासनिक को अधिक प्रशासन व्यवस्था को एवं प्रशासनिक स्तर को अधिक लोकाभिमुखी करबा पई राज्य सरकार को ए घन घन बैठक एवं आज कर्मशाला जहां फोकस रही ग्रामांचल में किभली तृणमूल स्तर में सरकारी योजना पहुंचो और लोकों सरकारी हिताधिकारी योजना किभली हिताधिकारी को मिले ता प्राथमिकता दि जाए तेज मुख्यमंत्री गत थर 3T फर्मुला देखा बेले आज कि परामर्श देते जिलापा समस्त नजर रही बाद सचिव मानू जिला स्तर में गोटे लेखाए जिलार दायित्व दि जाइवर किभली सचिव मैंने जिला गस्त करेंगे क्यों क्यों क्षेत्र को प्राथमिकता देते ता बैठक में विस्तृत भाव में आलोचना हम थबीर देवे पूर्वरु एमती किसी कर्मशाला अनुषित केवे होता ना आगामी निर्वाचन को आखि आगे रखी एभली कर्मशाला अनुषित हो देखंतु गत 4 मास तले मध्य मुख्यमंत्री जिलापाल सम्मेलनी डाकिथिले एवं जेउथरे मध्य विभिन्न योजना विषय रे मध्य विस्तृत भाबे आलोचना करा जायथिला एवं सेथरे प्रश्न उठिथिला जे जिलापाल माने ग्रासरूट स्तर रे जहां कार्यकारी कला बळे विभाग विभाग मध्य रे किछिटा समन्वयर अभाव मध्य समान सामना को आनिथिले मुख्यमंत्री कर तेनो विशेष करी जेतबेले लोकाभिमुखी योजना ग्रामांचल रे कार्यकारी करा जाउची आनुसंगिक विभाग विशेष करी 2-3टी विभाग रो मध्य प्रमुख भूमिका रहउची सेबळी स्तर रे जदि आपण देखिबे शिक्षा स्वास्थ्य ग्रामांचल रे पानी
ପାନୀୟ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମି ରାସ୍ତାଘାଟ ଏବଂ ବିଲ୍ଡିଂ ଏସବୁ କାମ ଗୋଟେପଟେ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ କୃଷି ପାଇଁ ଜଳସେଚନ କୁହନ୍ତୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲିଫ୍ଟ ଇରିଗେସନ୍ ଯାହା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବା ଏବଂ ଯାହା ପେନ୍ସନ୍ ସ୍କିମ୍ ଏବଂ ପିଡିଏସ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ବିଭାଗ ସହ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବିଭାଗର କିଭଳି ସମନ୍ୱୟ ରହିବ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇଥିଲେ। ଯଦିଓ ଏହି କର୍ମଶାଳା ନୂଆ ନୁହେଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ, ଏହା ଏକ ରୁଟିନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଚାରିମାସ ତଳେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମ୍ମିଳନୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଡାକି ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଆଜିର ଯେହେତୁ ଫୋକସ୍ ହେଉଛି ପ୍ରଥମର ଥର ପାଇଁ ଆସନ୍ତା ମାସରୁ ସଚିବମାନେ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ ଯିବେ, କେବଳ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଉ ମିଟିଂ ନୁହେଁ, ମାସର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହର ଚାରିଦିନ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରିବାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସଚିବଙ୍କ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ପୁଣି ଥରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା, ଲୋକାଭିମୁଖୀ କରିବା ଏବଂ ସଚିବମାନେ ଜିଲ୍ଲାଙ୍କୁ ଗସ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ସରକାରୀ ଯୋଜନା କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚୁଛି କି ନାହିଁ ସେ ନେଇ ତଦାରଖ କରିବେ।